हेलो बच्चों, आज हम अध्याय प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के भाग एक पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक वनस्पति के परिचय पे और वन पे। इसके साथ साथ हम वनों के प्रकार पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति के परिचय से। तो बच्चों, जब हम बात करें प्राकृतिक वनस्पति, तो सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है। तो बच्चों, वैसे पौधे जो प्रकृति के प्रभाव से पनपते हैं एवं बढ़ते हैं, अर्थात जिनके विकास में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता या जिनके विकास में मनुष्य द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं होता, तो वैसे पौधे ही प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति पृथ्वी के जिस भी क्षेत्र में है, वहां के मानव क्रियाकलाप उन्हीं वनस्पतियों के अनुसार निर्धारित होते हैं। जानते हैं, प्राकृतिक वनस्पति जो है किसी भी क्षेत्र में वन जीवों के पनपने में सहायक होते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सभी जीव जंतु जो है वो पेड़ पौधों पे आश्रित होते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे ही हैं जो सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और इसीलिए पेड़ पौधों को प्रारंभिक उत्पादक भी कहा गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा प्राकृतिक वनस्पति पे जारी रखते हैं। बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति को मोटे तौर पे तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है वन, दूसरा है घास स्थल और तीसरा है कांटेदार झाड़ियां। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत वन से करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप ये जान लें कि वनों को जो है हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह प्रकृति की एक मूल्यवान देन है। बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को मत नष्ट करो, क्योंकि अगर आप पेड़ पौधों को नष्ट करोगे तो आपको ही तकलीफ होगी। और पेड़ पौधों को क्यों नहीं नष्ट करना चाहिए, इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। बच्चों, प्राकृतिक रूप से खुद ही उगने वाले पेड़ पौधे तथा घास की सघन आकृति को ही हम वन कहते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी, भौतिक एवं जलवायु दशाओं में उगते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा वन पे जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे वनों के प्रकार की। तो बच्चों, मुख्य रूप से विश्व में छह प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, पहला है शीतोष्ण पर्णपाती वन, दूसरा है भूमध्य सागरीय वनस्पति, तीसरा शीतोष्ण सदाबहार वन, चौथा शंकुधारी वन, पांचवा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और छठा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी वनों पे एक एक करके चर्चा करते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा को वन पे जारी रखेंगे और शुरुआत करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्थात ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। बच्चों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, और इसको वर्षा वन कहने के पीछे रीजन
यह कारण यह है कि इन वनों का जो विस्तार है वो वहीं पे पाया जाता है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है एवं पूरे वर्ष जो है तापमान उच्च रहता है, अर्थात 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि ऐसे वन कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, ये वन भूमध्य रेखा के आसपास, जैसे कि दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में, अफ्रीका के कांगो बेसिन एवं दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा वनों पे जारी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि इन वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कठोर लकड़ी वाले वृक्ष जैसे कि रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन-कौन से पशु पाए जाते हैं या कौन-कौन से जंतु पाए जाते हैं, तो यहाँ पे प्रमुख जंतुओं में हाथी, गेंडा, बाघ, बंदर, सांप, छिपकली, बाज, उल्लू, भालू एवं हिरण, ये सभी प्रमुख हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा वनों पर जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अर्थात ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट पे। डिसिड्यूस का मतलब होता है झड़ने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को जो है मॉनसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये वन जो है मौसम के हिसाब से अपने पत्तों को गिराते हैं। बच्चों, इन वनों का विस्तार जो है एशिया के मौसमी प्रदेश, मध्य अमेरिका, पूर्वी ब्राजील, उत्तरी अमेरिका तथा पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। बच्चों, इन क्षेत्रों में वर्षा जो है सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में होती है, इसीलिए ये पेड़ जो है सदा हरे भरे नहीं रहते हैं और शुष्क ऋतु में जल की कमी के कारण ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं, जिसके कारण इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा वन पे जारी रखते हुए हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पे और गहरी चर्चा करते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें कि इन वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो इन वनों में मुख्य रूप से उगने वाले वृक्ष हैं सागवान, बांस, साल, ताड़, बरगद, शीशम, देवदार, नीम इत्यादि। और अगर हम बात करें कि इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख पशु कौन हैं, तो प्रमुख पशुओं में हाथी, लोमड़ी, बंदर, सियार एवं सुअर जो हैं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा वन पे जारी रखते हुए अब हम चर्चा करेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन अर्थात टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पे। बच्चों, शीतोष्ण सदाबहार वन जो है मध्य अक्षांशों अर्थात 30 डिग्री से 45 डिग्री के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ऐसे वन दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी फ्रांस, इटली, बुल्गारिया, इजराइल आदि तथा दक्षिणी गोलार्ध में मध्य चिली एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा वनों पे जारी रखते हुए अब हम शीतोष्ण सदाबहार पे
थोड़ी और गहरी चर्चा करेंगे। बच्चों, इन वनों में जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं वो है जैतून, अंजीर, ओक, पाइन, फर, यूकलिप्टस एवं चेस्टनट। बच्चों, इन वनों में कुछ फलदार वृक्ष भी पाए जाते हैं जिनमें महत्वपूर्ण है नींबू, सहतूत, नारंगी, अंगूर, अनार और नाशपाती। जब हम बात करें जानवरों की तो यहाँ पे मुख्य रूप से काला और भूरा भालू, हिरण एवं एल्क पाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने प्राकृतिक वनस्पति के परिचय पे चर्चा की। उसके अलावा हमने वन पे चर्चा की और वनों के कुछ प्रकारों पे भी चर्चा किए। और बच्चों, इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम वनों के प्रकार को जारी रखेंगे और हम उसके अलावा चर्चा करेंगे घास स्थल तथा कटीली झाड़ियों पे। तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।